गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज सेफ्टी फर्स्ट, आवर प्रीवियस चैप्टर दैट इज सेफ्टी क्लास, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दैट वन एंड ऑन दैट क्लास वी हैव लर्नड डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑन दैट क्लास वी हैव नो डिफरेंट टाइप ऑफ precautions, measures. Okay, so student, today we will start a new chapter, that is chapter number 9, and name of chapter that is solid, liquid and gas. Okay, now, and specially this chapter belongs to your chemistry part. Okay, so let us know what is a solid, what is a liquid, what is a gas, what is the definition of liquid, what is the definition of a solid, what is the definition of a gas. Let us know, but before know what is the meaning of this, all of these terms, let us know what is the meaning of a matter. What is matter? हम बोलते हैं that is a matter, this is a matter, it is a matter, बोलते हैं. Let us know what is a matter, what is the definition of a matter. Okay, so specially हम बोल सकते हैं It is a matter. This one is matter. Mobile is a matter. TV is a matter. Vehicle is a matter. All human beings are matters. तो जितना भी चीज है, जिस चीज हम वो देख रहे हैं, फील कर सकते, छू सकते हैं, वो सब matter है. आप जितना भी देख सकते हो, जो जो भी चीज देख रहे हो, टीवी में देख रहे हो, रेडियो में देख रहे हो, कहीं पर भी देख रहे हो, आपके आसपास भी देख रहे हो, जो चीज आपको दिख रहा है, सब मैटर है. हर एक चीज मैटर है. जो चीज आप अपना फाइव सेंस है, जैसे कि आपका आंख, कान, नोज, माउथ, टोंग, स्किन, ये सब का आपका सेंस ऑर्गन है. आप आपका सेंस ऑर्गन से जिस चीज को जान सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, हर एक चीज मैटर है. जो चीज बोलो, प्लांट्स, लिविंग बींग्स, एनीथिंग, मोबाइल, टीवी, प्लास्टिक बोतल, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स, कॉपी, पेन, पेंसिल, ऑल आर मैटर्स. सो लेट अस नो व्हाट इज एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ए मैटर. सो दैट इज अ डेफिनेशन. इट इज रीड दिस वन. एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल एज मैटर. The main definition, the important definition of a matter, that is anything that occupies some space and has mass, call as matter. Matter क्या होता है? किसी भी चीज, कोई भी चीज जिसका मास है और कुछ एरिया, कोई कुछ स्पेस एरिया वो ऑक्यूपाई किया है, उसको बोलते हैं मैटर. सपोज लुक दिस वन, It is a matter and it is made of wood. तो हमको कैसे मालूम पड़ा ये मैटर है? ये देखो, इसका कुछ मास है. मास मतलब वजन, वेट. इसका कुछ मास है. मास मतलब वेट, वजन. वजन है, देखो वजन है. और ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है. देखो ये कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है. ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है. देखो देखते हैं, कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, इतना एरिया इधर से, अब और भी इधर भी साइड है, कुछ एरिया है. तो ये जो आपका मैटर है, ये जो कुछ चीज है, ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, कुछ स्पेस, यहां तक देखो, कुछ स्पेस ले, कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, और कोई इसका कुछ वजन है, इसलिए इसको हम मैटर बोलेंगे. कोई भी चीज जो जिसका मास है, कोई भी चीज जिसका मास है और कुछ एरिया को कवर किया है, तो उसको बोलेंगे मैटर. यहां पर देखो, ये इतना एरिया था, कवर किया है इतना एरिया था, इसका कुछ वजन है, वो एक मास है, इसलिए ये मैटर. कोई भी चीज, ये भी देखो आपका, ये चीज, ये क्या है आपका, यहाँ पर लिखते हैं मार्कर है. तो मार्कर देखो, ये कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, यहां से कुछ स्पेस एरिया ऑक्यूपाई कवर किया है, और इसका कुछ वजन है, वेट है,
सो इसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। कोई भी चीज जिसका कुछ मास है मतलब वेट, और कुछ एरिया कवर किया हुआ है, कुछ स्पेस एरिया कवर किया हुआ है, तो उसको बोलेंगे मैटर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास कॉल्ड एज मैटर। कोई भी चीज जिसका कुछ वेट है, मास या कुछ एरिया ऑक्यूपाई किया है, उसको बोलेंगे मैटर। सो लेट अस नो, स्पेस मतलब वॉल्यूम। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना है, ये है। अब इस पर देखो इसका वॉल्यूम क्या है, ये पूरा ये जितना एरिया कवर किया है वो सब उसका वॉल्यूम है, ठीक है। ये जितना एरिया कवर किया है, जितना एरिया कवर किया वो उसका वॉल्यूम है। स्पेस जो जितना स्पेस लिया है उसको क्या बोलते हैं, इसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। मास मतलब वेट, उसका वजन कितना है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसका कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, कुछ मास है, कुछ वॉल्यूम है, उसको बोलेंगे मैटर। सो स्पेस मतलब वॉल्यूम, वो कितना एरिया कवर किया उसको उसका वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां तक इतना तक एरिया कवर किया हूं, तो मेरा वॉल्यूम यहां तक है इतना, जितना एरिया तक मैं कवर किया हूं वो मेरा वॉल्यूम है, और जितना मेरा वजन है वो मेरा मास है, ठीक है। सो लेट अस नो व्हाट इज वॉल्यूम, लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ए स्पेस दैट मैटर टेक्स इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जितना एरिया एक चीज कवर किया है, जितना एरिया वो लिया है, जितना स्पेस एरिया वो लिया है कवर करने के लिए, उसे बोलेंगे उसका वॉल्यूम। जितने में देखो मैं यहां से यहां तक एरिया कवर कर रहा हूं, जितना भी स्पेस में जितना भी एरिया है इतना तक इतना मैं कवर किया, ठीक है, तो ये मेरा वॉल्यूम है। यही तरह ये यहां तक कवर किया है, ये इसका वॉल्यूम है। और मास क्या है, मास मतलब वेट, वजन। मेरा वजन है 51 kg, मतलब मेरा मास 51 kg है। आपका मास का डेफिनेशन और भी कॉम्प्लेक्स है जब आप पढ़ोगे, बट अकॉर्डिंग टू 7th 4th class स्टैंडर्ड, वेट मतलब मास मतलब जान लो वेट, ओके। सो स्टूडेंट देयर इज अनदर टॉप, दैट इज मॉलिक्यूल्स। सो लेट अस नो व्हाट इज मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड। लेट अस नो, मैटर इज ए मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी वेरी टिनी पार्टिकल्स, एंड दैट पार्टिकल्स कॉल अस मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। मैटर इज मेड ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल, एंड दैट पार्टिकल कॉल अस मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल इट इज ए मैटर ऑफ वुड। और यहां पर देखो ये मैटर में बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, ये जो मैटर है, जो वुड है, ये वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोला जाता है मॉलिक्यूल्स। सपोज ये वुड है, ये आपका वुड है, ये आपका क्या है, वुड है, ठीक है। तो ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से। तो यहां पर देखो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स, पार्टिकल टिनी पार्टिकल, ओके। तो आपका ये देखो ये लकड़ी है, ब्लॉक है, वुड ब्लॉक, ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, टिनी पार्टिकल से, वही टिनी पार्टिकल्स को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। वेरी वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल, स्पेशली ऑल द मैटर, ऑल मैटर मेड ऑफ वेरी वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल। जितना भी मैटर है सभी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल। वी कैनॉट सी विथ आवर ओन आईज, वी कैनॉट सी आवर नेकेड आई, बट बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप वी कैन सी,
वी कैन सी बाय हेल्प ऑफ ए डिवाइस एंड दैट डिवाइस कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। हम मॉलिक्यूल को देख नहीं सकते बट वी कैन सी बाय हेल्प ऑफ ए डिवाइस दैट इज माइक्रोस्कोप। बट एक डिवाइस है जिसका नाम है माइक्रोस्कोप, उसके हेल्प से हम मॉलिक्यूल को देख सकते हैं एक मैटर का। और एक चीज याद रखना, सभी मैटर का डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है, बट जो टिनी पार्टिकल्स है वो सभी टिनी पार्टिकल, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर उसका जो टिनी पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक चीज ले लो, आप इस आपका क्लास में कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, बट सभी क्या है, ह्यूमन बींग्स है। उसी तरह आपका जो ये मैटर है, ठीक है, ये सपोज ये दोनों, ये वाला मैटर ये क्या वुड से बना हुआ, वुड वुड, और ये क्या है सपोज ये मेरा मार्कर पेन, मार्कर पेन, तो मार्कर पेन किससे बना है, प्लास्टिक से बना है, प्लास्टिक। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो भी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स है, इसका भी जो छोटा छोटा टिनी पार्टिकल्स, इसका भी टिनी पार्टिकल्स को क्या बोलेंगे, टिनी पार्टिकल से बना हुआ है ये भी, तो इसको भी क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल, इसको भी मॉलिक्यूल बोलेंगे। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल सिर्फ वुड के लिए है, वुड के लिए, और ये मॉलिक्यूल इसके लिए है। सो मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत छोटे साइज रहते हैं, और मॉलिक्यूल से आपका मैटर बनता है, और जिस मैटर से बनते हैं, जिस मैटर के लिए जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल का वही टाइप का रहता है। ओके, सो आपका जो मैटर होता है सपोज ये वुड, ये एक टाइप का मॉलिक्यूल से बना है, इसको बोलते हैं सपोज इस मॉलिक्यूल बनेंगे टाइप ए, और आपका ये जो प्लास्टिक मार्कर है ये अलग टाइप का मॉलिक्यूल से बना है, इसको बोलेंगे टाइप बी। ये देखो आपका ये जो मार्कर पेन है ये जिस मॉलिक्यूल से बना है, जिस स्मॉल पार्टिकल से बना है उसका नाम वो है टाइप बी, और ये जो वुड जिससे बना है, जिस मॉलिक्यूल से बना है उसको बोलेंगे टाइप बी, टाइप ए। सो आपका हर एक मैटर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है, वुड का अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, आयरन का अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, प्लास्टिक का अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, पत्थर स्टोन उसका अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, लिविंग बींग्स ह्यूमन का अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, प्लांट्स उसका अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, आपका इलेक्ट्रिक वायर उसका अलग टाइप का मॉलिक्यूल है। हर एक मैटर का अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल होता है, याद रखना, एवरी मैटर हैज डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल, सभी मैटर का डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है। वुड का अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, इसका अलग टाइप का मॉलिक्यूल है, मैं जिससे बना हूं उसका मॉलिक्यूल डिफरेंट है। सो एवरी मैटर हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, अलग अलग टाइप का मॉलिक्यूल रहता है, बट रिमेंबर वन थिंग, मैटर जिससे बना होता है उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल, मैटर जिस टिनी पार्टिकल से बना होता है दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल, एंड सभी मैटर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल होता है, वुड का अलग मॉलिक्यूल, प्लास्टिक का अलग मॉलिक्यूल, आयरन का अलग मॉलिक्यूल, ह्यूमन बींग्स का अलग मॉलिक्यूल, सबका अलग अलग मॉलिक्यूल होता है। ओके, सो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड मॉलिक्यूल्स, इफ एनी डाउट रिगार्डिंग टुडेज टॉपिक देन कॉल मी, सेंड मी मैसेजेस।